हेलो दोस्तों, आप लोग का हिस्ट्री टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर पैटर्न किस तरीके से कितने नंबर का आता है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, अगर हम लोग पेपर कोई भी सब्जेक्ट का देने जाते हैं तो सबसे पहले उसका पेपर पैटर्न अगर हम लोग को मालूम रहता है उसी के तरीके से हम लोग स्टडी भी करते हैं, ईजिली अपना हो जाता है। तो क्या क्या चीज़ है, कैसे आता है पेपर, सब कुछ बताने वाला। और आप लोग का वेटेज ऑलरेडी हिस्ट्री टेक चैनल पर अपलोड हो चुका है, वहाँ से जाके आप लोग वेटेज के हिसाब से आप लोग चैप्टर स्किप भी करके आप लोग पढ़ सकते हो जो चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहां पे लिखा 2023 का एसएससी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का 40 नंबर का जो आप लोग का एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम एसएससी का। तो आप लोग देखोगे इसमें सबसे पहले क्या चीज आता है, कितने नंबर का क्या होता है, उसको सबसे पहले आप लोग को बताता हूं। 28, अब देखोगे 28 नंबर का आप लोग का क्या होता है, हिस्ट्री होता है। और आप लोग का 12 नंबर मतलब 12 नंबर का आप लोग का पॉलिटिकल साइंस होता है। दोनों मिला के आप लोग का 40 नंबर हो जाता है, इसी तरीके से आप लोग को आता है। अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोग को देखोगे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, आप लोग बस क्या करना, अच्छी तरीके से वीडियो देखना और आप लोग को जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि और लोगों की क्या होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का पहला दिया गया, क्वेश्चन नंबर जो पहले में ए और बी करके आता है, क्वेश्चन पहले में चॉइस द करेक्ट ऑप्शन मतलब आप लोग का चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा उसी को आप लोग को उसे ढूंढ के इजिली आप लोग को लिख देना रहेगा, फिर से आप लोग को रीराइट करना रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग का तीन क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब तीन फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा, उसमें से ढूंढ के आंसर लिखना रहेगा। इस तरीके से आप लोग का तीन दिया रहेगा, तीन नंबर के लिए रहेगा। उसके बाद आप लोग का बी आता है, क्या आता है, बी आता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड द राइट, मतलब आप लोग को रॉन्ग पेयर उसमें से चार दिया रहता है, उसमें से आप लोग को सिंपल से चारों में से कौन सा रॉन्ग है उसी को आप लोग को लिखना रहता है, राइट वाला नहीं लिखना रहता, बस रॉन्ग वाला पेयर जो है वही चीज आप लोग को लिखना रहता है। इसमें आप लोग का तीन दिया रहेगा, तीन नंबर इजिली मिल जाएगा, तीन दिया रहेगा। उसके बाद आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा होता है उसमें भी ए और बी करके आता है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा रहता है उसमें भी ए कर और बी आता है। सबसे पहले ए में क्या होता है, डू एज डायरेक्ट में मतलब क्या रहता है कि आप लोग का जैसे एक्टिविटी जो रहता है वही चीज रहता है, एक्टिविटी मतलब आप लोग को भरने के लिए दिया रहता है एक्टिविटी के माध्यम से। अब देखो यहाँ पे एनी टू मतलब तीन दिया रहेगा, देखोगे यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए एकदम डिटेल में लिखा हूँ जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे तीन दिया रहेगा आप लोगों को, कोई भी दो करना रहेगा आप लोगों को उसमें भरना रहेगा, ऐसे दो दो नंबर आप लोगों को दो दो नंबर के लिए रहेगा तो चार नंबर इजिली मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसमें बी वाला आता है, राइट द शॉर्ट नोट आता है, क्या आता है, राइट द शॉर्ट नोट आएगा और उसमें क्या रहेगा आप लोगों को तीन दिया रहेगा उसमें से एनी टू करना रहेगा आप लोगों को, ये भी दो दो नंबर के लिए रहेगा इस तरीके से। अब और नीचे क्या दिया गया उसको बता दो। अब क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का थर्ड दिया गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया उसमें एक्सप्लेन करना रहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन मतलब क्या होता है कारण, आप लोग को इसमें चार दिया रहेगा, देखो यहां पे चार जिस तरीके से था सेम इसी तरीके से पेपर पैटर्न आप लोग को आने वाला है बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है, और प्लस आप लोग का जो प्रीलियम पेपर होने वाला है सेम इसी तरीके से होने वाला है। देख रहे हो इसमें चार दिया रहेगा, आप लोग कोई भी क्या करना है उसमें से दो क्वेश्चन करना है, आप लोग को दो दो नंबर इजिली मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को और बताता हूं क्वेश्चन जो फोर रहते हैं, क्वेश्चन जो फोर रहता है बहुत इजी रहता है, देख रहे हो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब आप लोगों को पैसेज दिया रहेगा थोड़ा सा और उसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछा रहेगा, और कितना क्वेश्चन पूछा रहेगा उसको भी आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें देख रहे हो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द फॉलोइंग मतलब क्वेश्चन, चार दिया मतलब तीन क्वेश्चन दिया रहेगा, पहला क्या रहेगा एक एक नंबर के लिए रहेगा एक और एक, और तीसरा वाला जो रहेगा दो नंबर का थोड़ा सा बड़ा लिखना रहता है। इस तरीके से आप लोग का नंबरिंग इसमें होता है, पहला क्वेश्चन एक नंबर, दूसरा क्वेश्चन एक नंबर, तीसरा वाला जो क्वेश्चन रहेगा दो नंबर के लिए रहेगा, इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है पैसेज में से आप लोग को। अब उसके बाद क्वेश्चन जो पाँचवा आता है, क्वेश्चन जो पाँचवा रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में लिखना, इसमें डिटेल में लिखना रहेगा बड़े में। अब इसमें कितना नंबर देख रहे हो, चार दिया रहेगा, चार में से आप लोग कोई क्या करना है, दो अटेम्प्ट करना है, मतलब दो ही आप लोग करना है, कितने कितने नंबर करेगा, तीन तीन नंबर के लिए रहता है। उसके बाद आप लोग को अब ये पूरा आप लोग का 28 नंबर पूरा टोटल हो गया आप लोग का हिस्ट्री का। अब आता है उसके बाद यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर जो सिक्स रहेगा, जिस तरीके से पेपर बता रहे हो सेम उसी पैटर्न से आप लोग का आएगा बोर्ड में। अब क्वेश्चन नंबर देखोगे सिक्स वाला ही आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट होने वाला, यहाँ पे भी क्वेश्चन सिक्स रहेगा, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन वाला आप लोगों को चुन के लिखना रहेगा, दो दिया रहेगा बस, कितना दिया रहेगा दो दिया रहेगा, दोनों आप लोगों को उसमें से ढूंढ के उसका आंसर लिखना रहेगा, फिर से आप लोगों को लिख देना रहेगा वही सेंटेंस। अब आता है सातवां, जो सातवां नंबर क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स,
अब बोलोगे सर ट्रू और फॉल्स अगर हम लोग लिख दें, एक सेंटेंस दिया है वहाँ पे मैं बस ट्रू और फॉल्स लिख दूँ, चाहे ट्रू हो या तो फॉल्स, दोनों में से एक हो, उसको मैं बस ट्रू लिख के आऊँ, तो क्या मुझे पूरा दो नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे रीज़न के साथ में बोला गया, देखो ट्रू एंड फॉल्स विथ रीज़न, अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग, ये चीज आप लोग को बताना पड़ेगा। रीजन इसमें आप लोगों को तीन दिया रहेगा, देखो कि तीन दिया रहेगा, आप लोग कोई दो अटेम्प्ट करना है और आप लोग को इजिली दो दो नंबर मिलता है। तो आप लोग नीचे देख रहे हो, अब क्वेश्चन नंबर जो आठवां है, आठवां में ए और बी करके आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें भी क्या आता है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट करना रहेगा, अच्छी तरीके से डायग्राम दिया रहेगा, देख रहे हो यहाँ पे एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, आप लोग को कोई दो दिया रहेगा, देखो यहाँ पे दो दिया रहेगा, आप लोग को उसको डिटेल में लिखना रहेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन बताना रहेगा, इसमें से कोई एक करना रहेगा दो नंबर के लिए। अब आता है उसके बाद बी वाला जो है क्वेश्चन आठवें का बी, डू एंड डायरेक्ट, डू एंड डायरेक्टेड मतलब क्या होता है, सिंपल सा वही एक्टिविटी जो इसमें दिया गया था, यहाँ पे डू एंड डायरेक्ट है क्वेश्चन दूसरे में, आप लोगों का सेम उसी तरीके से इसमें भी कितना दिया रहेगा, दो दिया रहेगा, देखो इसमें भी दो, इसमें भी दो क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोगों को एक करना रहेगा एक्टिविटी, इस तरीके से आप लोगों का आठ क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया नवा वाला, जो क्वेश्चन नवा वाला क्या क्वेश्चन है, आंसर द इन ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ, ब्रीफ में करना रहेगा आप लोगों को, दो क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट कितना करना, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, तो इस तरीके से आप लोग को दो नंबर इजिली मिल जाएगा। ए था आप लोग का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर पैटर्न 2023 का, अगर आप लोग को ज्योग्राफी का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करोगे तो 100% उससे भी मैं आप लोगों को सेपरेट इसी तरीके से एकदम डिटेल में बना के आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। और आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि जो आप लोग अगर देखते रहोगे यशडी जो चैनल है, पूरा ध्यान से सुना, यशडी टेक जो चैनल है उससे आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आप लोग पेपर पैटर्न मैथ का सब कुछ, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर हर चीज़ मिल रहा है, मराठी का सब कुछ। अब ये वाला जो चैनल है ध्यान से देखोगे यशडी टेक चैनल पे सब कुछ मिल रहा है, आप लोग इसमें देखोगे जो सब इतने 89% लोग इस वीडियो को देखते हैं, चैनल को देखते हैं, बाकी उसमें से 10% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं, एक कितना बेकार बात है। तो आप लोग फटाफट जाके सब्सक्राइब एचडी टेक चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 89% लोग देखते हैं, सिर्फ 10% ऐसे हैं कि जो सब्सक्राइब करके रखें। अरे देख रहे हो वीडियो आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर लो, तो आप देख रहे हो। और एक चैनल अब क्या कर रहा हूँ आप लोग के लिए, एक नया चैनल जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम आता है उसमें बहुत सारा अपडेट आता है, इस चैनल पे ना आके आप लोग को सिंपल सा क्या हो रहा था, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है क्या क्या डालूँ, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए एक चैनल बनाया है A to Z Education Update, ये आप लोग का चैनल का जो चैनल है उसका वीडियो का लिंक, आप लोग का चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके ये भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे अपडेट एजुकेशन से हर जगह से कहीं से भी एजुकेशन से कोई भी अपडेट आता है छोटा छोटा आप लोग को A to Z एजुकेशन अपडेट पे मिलने वाला, तो आप लोग इसको भी जितना सपोर्ट और प्यार जरूर बनाओ। और ये वाले पे आप लोग बस यही करना, क्योंकि 89% लोग वीडियो देखते बाकी 10% ही आप लोग सब्सक्राइब किए, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छी तरीके से लेके अपना स्टडी कर सकते हो।